Hello guys, welcome to all to One X Smart Class. And here it is, a common confusion in ranking and order test. And we have an example as well. Total 5 minutes we have to clear your confusion related to maximum minimum. एक बहुत ज़्यादा common question होता है exam में, gap दे देता है, उसके बाद पूछता है maximum number कितने होंगे और minimum number कितने होंगे. बहुत इजी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिए, ठीक है. अक्राम इज 120th फ्रॉम द राइट एंड, हियर इट इज द डायग्राम. अक्राम इज 120th फ्रॉम द राइट एंड एंड विहान इज 130th. विहान इज 130th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज. इफ देयर आर 50 बॉयज बिटवीन देम, हियर इट इज 50 बॉयज बिटवीन देम, then how many maximum and minimum students can be possible for that row respectively. So options तो नहीं दिया गया है, हमको निकालना है सिर्फ इसका maximum minimum. Maximum जो है बहुत ज्यादा easy है और minimum भी हम easy बनाएंगे. Minimum जानने के लिए थोड़ा सा confusion रहता है लेकिन इसको हम easy बनाएंगे. Maximum जो है वो इस तरीके से, ये अगर A part है, ये B part है और ये अगर C part है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. हियर इट इज 130 प्लस 120 इट मेक्स 250 प्लस 50 दिस इज 300. सो 300 जो है वो मैक्सिमम पर्सन है इस रो में. मैक्सिमम पर्सन होने के बावजूद यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन क्लियर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम भी, देयर इज अनदर चांसेस टू मेक इट अ मिनिमम नंबर. ओके, दैट शुड बी क्लियर्ड. एंड यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है ये ओवरलैप होने के बाद जाकर के मिनिमम होंगे, क्योंकि कॉमन होने के बाद जाकर के मिनिमम होंगे. अगर कॉमन नहीं बनेंगे तो फिर मिनिमम नहीं बन सकता है. तो फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं, इस अरेंजमेंट में नहीं है जो कॉमन हुआ है. लेकिन अगर हम अक्रम को इस साइड में और विहान को इस साइड में ले आएंगे तो फिर वो आपस में कॉमन हो जाएंगे, ठीक है. तो फिर उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे टोटल निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला के लिए चले जाएंगे. फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, a प्लस बी, दिस इज टोटल वी हैव टू फाइंड आउट a प्लस बी. हम इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे और इसको बोलेंगे c. गैप जो भी करिए आप, ये एक लेफ्ट वैल्यू है, ये एक राइट वैल्यू है और ये मिडिल वैल्यू है. ऐसे ही आपको ए बी सी करके कुछ भी, ये अगर डायग्राम आप नहीं बनाएंगे फिर भी आप आराम से मिनिमम के लिए जा सकते हैं. यहाँ पे टोटल और उसके बाद टोटल से हम माइनस कर देंगे जो है गैप, टोटल माइनस गैप होल माइनस टू. ये टू क्यों हुआ है मैं इसको आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम डायरेक्टली आंसर के लिए चले जाएंगे. यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो ये दोनों को हम ले लिए हैं, मतलब ये दोनों 120 प्लस 130, ये ए प्लस बी है और ये हो जाएगा 250 माइनस गैप आपका आ गया है यहाँ पे 50, ठीक है. ये गैप आने के बाद ये माइनस टू के लिए भी चला जाएगा, ये हो गया आपका 250, 200 माइनस टू इक्वल टू 198. ये आंसर तो बहुत इजी हो गया. अब हमको टोटल चाहिए, टोटल जो है वो ये अब ए प्लस बी माइनस गैप होल माइनस टू, इसको आप ध्यान रखिए. ज्यादा कुछ कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा अगर इस फॉर्मूला को आप साथ में रखेंगे तो, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं आ पाता है. सो कुल मिला के बात यहाँ पे आ रहा है माइनस टू क्यों आया. अगर हम यहाँ पे बोलेंगे जो विहान है वो 5 नंबर राइट से है और 6 नंबर लेफ्ट से है, तो फिर यहाँ पे अगर टोटल मिलाने के लिए हमको बोला जाएगा तो फिर 5 प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू टोटल. ये माइनस ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू टोटल. ये माइनस 1 इसी के वजह से हुआ है क्योंकि जब 5 काउंट हो रहा है वो विहान काउंट हुआ है, जब 6 काउंट हुआ है तब भी विहान काउंट हुआ है, लेकिन विहान इज सिंगल टाइम ओवर ईयर. एक पर्सन एक बार कॉमन हुआ है तो एक बार माइनस हुआ है. यहाँ पे 2 पर्सन कॉमन हुआ है 2 बार, इसलिए माइनस 2 हो गया है. कुल मिला के इसका कुछ कंफ्यूजन ज्यादा होगा नहीं अगर ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो. दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो रिलेटेड टू द कंफ्यूजन of ranking order test that could be applied. Thank you for watching.
Thank you.